गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च मुने च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रुभूति विनाशाय दीप्रज्योति नमोस्तुते। शुभम् स्वस्थमस्तु कुशलमस्तु चिरायुवस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशे सदैव भवताम् हरिभक्तिस्तु। स्वस्थमस्तु कुशलमस्तु चिरायुवस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशे सदैव भवताम् हरिभक्तिस्तु। नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदनु विवृते अथ विश्वसहस्रनन्त्रे तुभ्यं त्रिधाम स्थितात्मने हृदयस्तमनासनम कामं त्वां तपस्विनं दयालुमनगस्प्रेष्टं पुराणं विजृं विदु। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं कर्मतोलय मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। दीपावली पूजन लक्ष्मी पूजन का इतिहास। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से ही माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी पैदा हुई। इसकी सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इसको चाहने लगे। इंद्र ने इसको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इसके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। वाद्य बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर में उसे पीले वस्त्र दिए। वरुण ने वजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी ने स्वयं कमल की माला लेकर हास्य पूर्वक विष्णु के गले में जय माला डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जय श्री महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की। अब दीपावली पूजन विधि। दीपावली का उत्सव परम पवित्र पर्व है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी सदगृहस्थ अपने अपने घरों में सफेदी आदि करवाकर विभिन्न मतभेद होते हुए भी अमीर गरीब सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह त्योहार वास्तव में त्रयोदशी से आरंभ होता है। इसे धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन हरेक व्यक्ति कोई न कोई नया बर्तन खरीद कर घर में लाते हैं। इस दिन घर में नवीन बर्तन लाना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं दीप भी जलाए जाते हैं। चतुर्दशी के दिन जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है इस दिन भी देवस्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन दीप मालिकोत्सव मनाया जाता है। दीपावली के उत्सव को पवित्र मन और शुद्ध विचारों से युक्त होकर मनाना चाहिए। यदि इस दिन उपवास कर सके तो अति उत्तम है। सायंकाल देव पूजन तथा भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। कम से कम 5 दीप घी के तथा अन्य सरसों के तेल के समीप जहाँ पर की गल्ला रखा जाता है घी का दीपक जलाना चाहिए। 1 घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी जलाना चाहिए। वृत होकर याचकों और बच्चों में मिठाई बांटे। तत्पश्चात अपने घर में काम करने वाले सेवकों को पुरस्कार और मिष्ठान का वितरण करके स्वयं फलाहार अथवा अंजल ग्रहण करें। व्यवसायी व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने व्यवसायिक केंद्र अथवा दुकान पर जाकर दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन सहित मनावे। दीपावली पर 1 की भी परिपाटी है अपने कर्मचारियों को लाभांश अथवा पुरस्कार स्वरूप मुद्रा वस्त्र अथवा बर्तन मिष्ठान से महालक्ष्मी मात की जय। दीपावली की व्रत कथा। एक बार सोनकादि ऋषियों ने शरद कुमार जी से पूछा, भगवान दीप मालिकोत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है? कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन और शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन और शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। दिया हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से
भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। आती हुई वह स्वक्ति स्वरूपा बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं, नहीं उनके पुत्र या बलि ही। शास्त्रवेता मुझे दुस्सहा, भुत्ति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु या हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से एक को त्यागती हूँ दूसरे के पास जाती हूँ। दान का शास्त्रोक्त विधि से भरी प्रकार पालन पोषण नहीं करते, इन सब कारणों से शरीर और चेहरे की कांति क्षीण हो रही है, पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण आदि अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हो, इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उस शक्ति स्वरूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहने की कोशिश की। किसी ने सलाह दिया कि हीरे जवाहरात मांगो, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं, तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर अकृत न हो सकेंगे। पुत्र वधु की बात सेठ को अच्छी लगी। बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर देती हूँ, साथ ही आश्वासन भी देती हूँ। अमात की जय। श्री गणेश भगवान की जय। माता जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता जगनिधि से त्राता, जय लक्ष्मी माता भवानी सहितं नमामि। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय लक्ष्मी मात की जय। गणेश भगवान की जय।